आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जीआईएस में अभी तक हमने जो डिस्कस किया सारा जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है, उसमें अंतिम पार्ट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आता है। इसके बाद जो भी सिलेबस आपका बचे वो एप्लीकेशन पार्ट का होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन और डिस्कस करने से पहले आपको डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है डेटाज की। जैसे आपने ट्रेडिशनल मेथड में एक टेबल के थ्रू आप डेटा शो करते हैं, जिसमें कॉलम और रो होते हैं, या आपने ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर देखा है, कई तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन वो सारे के सारे आपके जो डेटा थे वो आप एक टेबल में स्टोर करते हैं या आप कोई रजिस्टर डेवलप करते हैं, और उसमें आप हैंड रिटन भी करते हैं या सिंपल कंप्यूटर की एक्सेल फाइल में भी आप डेटा रिकॉर्ड करते आए हैं। अभी तक कुछ स्टूडेंट ने किया होगा। लेकिन जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वो जो कलेक्शन है वो लॉजिकली रिलेटेड डेटा, मतलब वो डेटा ये नहीं है कि एक डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट से संबंधित विषय पर और उसके साथ हम बात कर दें सोशियोलॉजी की, कोई और डेटा टाइप हो रहा है। यानी वो सारे डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो लॉजिकली रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। अगर जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो सारे एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित होने के बाद में उस डाटा से कोई हम इंफॉर्मेशन निकाल लें, वो इंफॉर्मेशन एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, और उसके एक से ज्यादा लोग उसको यूज भी कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको यूज कर सकता है। तो अब इससे ये चीजें निकल के आ रही हैं कि एक डाटा आपने सर्वे में आपने कलेक्ट किए होंगे, और जब कलेक्ट करने के बाद में उसका एनालिसिस करने से कोई इंफॉर्मेशन निकल के आती है, और उस इंफॉर्मेशन से कोई भी जो समस्याएं हैं आपकी समाज की, उस समस्या का निदान होता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया ही डेटाबेस कहलाती है। इसमें आप जो डेटा है, जैसे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिवीजन करके जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे उसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या सोर्सेज हैं उनके। लेकिन कुछ डिस्कशन हम यहाँ पर रख रहे हैं कि डेटा आर प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, कि डेटा लगातार जनरेट हो रहे हैं। ये नहीं है कि एक बार डेटा आपने कलेक्शन कर लिया और फिर दोबारा जनरेट नहीं होंगे, लगातार जनरेट हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहा है उसमें। हो सकता है आज आप कलेक्शन करके लेके आए, उसमें कल कुछ परिवर्तन हो जाए। तो लगातार परिवर्तित होते हुए डेटा का भी लगातार कलेक्शन करना रहना पड़ता है, और लगातार कलेक्शन करोगे तो उसको कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे, आपका जो डेटाबेस जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी आपकी ज्यादा चाहिए। तो इससे आपको ये माइंड में एक समझना चाहिए, जो ज्योग्राफिकल डेटा है, जिस ज्योग्राफी में आप अर्थ और उससे संबंधित एनवायरमेंट की वो स्टडी करते हो, उसमें कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहा है और इतना तेज गति से परिवर्तन हो रहा है कि आपको लगातार रिसर्च करते हुए रहना चाहिए। फिर आप जो ट्रेडिशनल मेथड आपकी जो भी है, सेंसस ऑफ इंडिया का भी एक अपने आप में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटा कलेक्ट करने का अलग अलग एजेंसीज है, वो सर्वे करती है, उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो ट्रेडिशनल सिस्टम हो या उनका कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है। लेकिन आप ज्योग्राफी में या जीआईएस में जब हम बात करते हैं डेटाबेस की,
तो हम डिफरेंट एंगल से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि आपके हिस्टोरिकल डाटा है, उसके मैप अवेलेबल हैं, वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग हमें डेटाबेस दे रही है, एरियल फोटोग्राफी हमें दे रही है, सेंसस ऑफ इंडिया दे रही है, यानी नंबर ऑफ वेज जो डाटा कलेक्ट किए हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म के लाके एक अलग से डेटाबेस तैयार करते हैं। तो ट्रेडिशनल में भी आपके डेटाबेस अप्रोच रही है, लेकिन अगर डेटाबेस अप्रोच नहीं हुई, इससे पहले अगर हम बात करें कि जो डेटाबेस जितने भी जो रहे हैं ज़्यादातर वो नॉन स्पेशल करेक्टर में हैं। आप जैसे आपका बैंकिंग का डाटा है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, और बैंकिंग में आप क्या करते हैं, जैसे ही आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एटीएम निकालते ही आपके पास मैसेज आता है, डाटा जनरेट होता है वहां पर। मैसेज किस चीज़ का आया कि वो नया डाटा जनरेट हो गया। उसमें आपका ये हो गया कि आपने 10,000 रुपये निकाले हैं, आपके अकाउंट में इस डेट को इस समय 10,000 रुपये निकले हैं, अब आपके अकाउंट में बैलेंस ये है। तो ये डाटा आपका कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, इस एग्जांपल से पता लग रहा है, और वो नॉन स्पेशियल है। इसके अलावा आपके और भी डेटाबेस है, जैसे आपके कॉलेज में आपका लाइब्रेरी का है, अगर आपने लाइब्रेरी विजिट की है, आप बुक इश्यू करवाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं और लगातार करते जाते हैं, या आपके स्टूडेंट के हिसाब से उन्होंने अलग अलग पेज भी बना रखे होंगे। अब एक स्टूडेंट एक बुक निकालता है एक साल में, एक स्टूडेंट 20 बुक निकालता है, अब वो जिसने एक बुक निकाली उसका अगर अलग पेज बना दिया तो वो एक पेज उस साल में उसके लिए अगर उसने यूज़ नहीं किया तो वो ब्लैंक ही पड़ा रहेगा। उस तरह की दिक्कतें काफ़ी उस डाटा का वजह से कुछ प्रॉब्लम अराइज होती रही है, वो हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन अगर आपका डाटा रॉ फैक्ट्स में है, मान लीजिए कोई वैल्यू है आपकी, आपने कहा कि 10, 10 एक डिजिट है, एक संख्या है, लेकिन संख्या का कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा या उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि उस 10 का मीनिंग तभी बनेगा जब उसका कोई स्ट्रक्चर हो या कॉन्टेक्स्ट हो। अगर उसको हम ये कह दें कि ये 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या कहोगे कि जो 10 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका टेम्परेचर है, ठीक है? तो 10 डिग्री सेल्सियस कहते ही क्या हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, और आपकी उस डाटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकल गई कि हो सकता है किसी लोकेशन का वो आपका हिसार का हो, लिख दिया हिसार का 10 डिग्री, भिवानी का 20 डिग्री, किसी और जगह रिकॉर्ड हुआ, तीसरे शहर का तीसरी जगह रिकॉर्ड हुआ, चौथे शहर का चौथी जगह रिकॉर्ड हुआ। अगर जब आपको डाटा चाहिए सभी सिटीज का टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करने के लिए, तो आपको अलग अलग लोकेशन के ऊपर आपको जाना पड़ता है, तब आपको डाटा मिलते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आपका आपको डेली आजकल देख रहे होंगे कि इस 2 दिन में आपकी रेनफॉल आने की संभावना है, तो कैसे पता लग रहा है? एक कोई बड़ा जो डेटाबेस बना है आपका पूरे इंडिया का, एडजॉइनिंग एरिया का, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उस डाटा को एनालाइज करके ही तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। अभी तो वो कह पा रहे हैं कि आपकी इस डेट को बारिश होने की संभावना है, यानी जो सारे जो डेटा थे वो अलग अलग जगह जो कलेक्ट किए जा रहे थे, उस सारे डेटा को एक जगह स्टोरेज किया गया है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया गया है, उसके साथ साथ उसकी स्पेशल लोकेशन को भी लाया गया है, हिसार है तो हिसार का जैसे पॉइंट से फाइल से हिसार भिवानी सारे डिजिटाइज हो जाते हैं, सारी जगह का एक स्पेशल इंफॉर्मेशन भी डेवलप की गई है, तब जाके वो कहीं उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं और यूजर को आगे वो सप्लाई कर पाते। तो इसलिए डेटा का होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको कुछ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए, ताकि हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकें। फिर सवाल उठता है कि डेटाबेस अप्रोच क्यों, क्योंकि हमने ट्रेडिशन में जितने भी आपके बिजनेस जो लोग हैं उनके बही खाते होते थे, मतलब रूरल लैंग्वेज में हमने जो यूज़ किए हैं, जैसे जितना सीखा है कि बही खाते, किसी भी बिजनेसमैन का एक बही खाता होता था, वो पूरा डाटा रिकॉर्ड अपना रखता था, किसको कितना पैसा दिया है, किससे कितना लिया है, लेकिन उसको देखने के लिए बार बार उसको बैक स्टोरी में उसको जाना होता था, उसने भी एक सिस्टम अपना बना रखा था,
कोई आएगा तो एक नाम कहाँ है, उस नाम का कितने पेज पे है, उस पेज पे जाएगा तो उसका रिकॉर्ड है, फिर ये देखेगा कि ये रिकॉर्ड कैसे आया, उसने और आगे पेज नंबरिंग दी हुई थी उस रजिस्टर में मिलेगा, तो उसने वो चीजें बना रखी थी। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स में क्या हो रहा है कि एक जगह अगर एक बार डिजिटाइज हो जाता है तो उससे हम क्वेरी करके उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने एकदम आ जाती है। अगर लार्ज डेटाबेस है तो उसमें वन बाई वन करके बड़ा टफ होता है, लेकिन इसमें कंप्यूटराइज डेटा में हम उसको इजिली से निकाल लेते हैं। तो सवाल अभी उठ रहा था कि वाइड डेटाबेस अप्रोच क्यों अपनाई जाती है। इसमें ये था कि रजिस्टर में जो जितनी भी जो एंट्री की जाती थी उसमें रेपिटेशन होता था, उसमें कई बार डुप्लीकेशन भी होता, रिपीट भी होता था बार बार। मैंने कहा कि एक व्यक्ति का है, उसके लिए अलग अलग रजिस्टर में उसकी एंट्री मिलेगी अलग अलग समय की, और उसको इंफॉर्मेशन देखने के लिए एक रजिस्टर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कई जगह उसको जाना पड़ता है। दूसरा, कई बार डुप्लीकेट भी हो जाता है कि एक नाम के दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, उसमें उन्होंने जरूर है कि एक उसके फादर का नाम लिखा जाता है, फिर भी दोनों का सेम है तो उसका गांव का नाम लिखा जाता है। लेकिन उस चीज को पहचानने के लिए उसको फिर अंदर काफी समय लगाना पड़ता था। लेकिन अगर हमारे पास कंप्यूटराइज डाटा है, उसको अगर एक आईडी दे दी जाए तो आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो डेटाबेस जो अप्रोच और जो अडॉप्ट किया गया है, उसका अडॉप्ट करने का मेन तरीका है कि एक तो डेटा का रेपिटेशन ना हो, एक डेटा का डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए इन चीजों के ऊपर ये फोकस किया गया है। फिर आपकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें चीजें लगती है कि ट्रेडिशनल में जैसे आप कह रहे हो रजिस्टर डेवलप करने पड़ते थे, उसको करने के लिए एक अकाउंटेंट भी चाहिए, बार बार उस चीज को और हर साल वो आगे लेके आते थे उस डेटा को, हर साल एक नया रजिस्टर जनरेट होता था। उस डेटा को बनाए रखने के लिए एक आपकी लागत भी काफी आती थी, और लागत के साथ साथ मान लीजिए उसमें एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस में मूव करते हैं, चेंज ले जाते हैं, कि हम ये कहें कि गांव में 5-6 बिजनेसमैन हैं, उसने अपना अपना डेटाबेस बनाया है, तो उसमें सारी की सारी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होगी, रेपुटेशन बहुत ज्यादा होगी कि उसमें एक व्यक्ति का नाम और अलग अलग से उसने बिजनेस से संबंधित कोई कार्य किए हैं, वो हर एक में स्टोर होंगे उनके। और उसके साथ साथ उसने उसी व्यक्ति ने या एक बिजनेसमैन से अलग अलग कार्य के लिए कोई ट्रांजैक्शन या कोई और रिलेशन डेवलप किया है बिजनेसमैन के साथ, वो भी एंट्री अलग 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 से होगी। और जब हम एक व्यक्ति का एकदम रिकॉर्ड चाहिए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, क्योंकि हो सकता है उसने अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग रजिस्टर डेवलप किए हों, तो अलग अलग रजिस्टर उसको देखने पड़ते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में इसमें भी डिफिकल्टी आती थी। लेकिन डेटाबेस अगर आपका कंप्यूटराइज्ड है, लॉजिकली रिलेटेड डेटा कुछ है, कई जगह रखे हुए हैं, तो उसको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेके ऊपर लेके आना है, वो काफी काम डेटाबेस अप्रोच में इजी हो जाता है। और उस डेटाबेस से उसमें कुछ मैनिपुलेट करना है, जैसे हमने कल फील्ड कैलकुलेटर से आपको प्रैक्टिकली क्लास में दिखाया था पिछले लेक्चर में, तो वो डेटाबेस जनरेट हो जाता है, उससे कोई नया हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस चीज से, वो इजी है डेटाबेस अप्रोच में। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड में उस अप्रोच को निकालने के लिए काफी समय और लागत दोनों ज्यादा रखनी पड़ती हैं। और जो आपका डेटा बेस की हमने जो डेफिनेशन में बात की स्टार्टिंग में कि डेटा बेस क्या है, कि दो नंबर की डेफिनेशन भी अलग से आपके एग्जाम में आ सकती है, कि ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा है, कि अगर लॉजिकली वो एक दूसरे से संबंधित डाटा नहीं है तो उसका उस डेटाबेस में उस डाटा को इंसर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सारे डाटा एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड होते हैं और उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे हमने जीआईएस में स्पेशल डाटा की जो एट्रीब्यूट देखी है, आपको कॉलम और रो में आपको डिजाइन किए हुए मिल रहे थे, उसमें अलग अलग उसमें कॉलम में हम जो भी एट्रीब्यूट थी उसका एट्रीब्यूट नेम दे रहे थे, जैसे टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, या नंबर ऑफ जो चीजें थी,
और उस डिजाइन की डेटा से फील्ड कैलकुलेटर की सहायता से या क्वेरी बिल्डर की सहायता से उसमें हम क्वेरी भी कर सकते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन भी उसमें निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे हम, ये जो आपका जो डेटाबेस जो डेवलप होता है वो एक डेटाबेस टेबल में डेवलप होता है सारा, जो आपका अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्लास में स्पेशल जो आपकी एंटिटीज हैं उसको जो हमने रिप्रेजेंट किया है पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन से, उसके साथ साथ एक टेबल डेवलप हो रही थी। उस टेबल की ओर अगर आप फोकस करें तो उसमें आपके कॉलम हैं और आपके रो हैं। उसको आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में जो आपके जो वर्टिकल सेक्शंस है उसको कॉलम कहा जाता था, और कॉलम भी हमारे माइंड में रखे हुए हैं, लेकिन जीआईएस की लैंग्वेज में उसको हम ज्यादातर उसको फील्ड कहते हैं। जीआईएस की लैंग्वेज में हम उसको फील्ड यूज करते हैं। जैसे हमने अगर कोई नया कॉलम हमें बनाना है तो हमने ऐड फील्ड एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, एक फॉरम उसमें हमने भरा था, फिर वो आपका डेटाबेस में आया था, टेबल में आया था। जैसे कोई वार्ड का है डेटा तो वार्ड हमने उसमें डाला था, हमने कहा था कि कितने इंटीजर उसमें चाहिए, हमें 50 चाहिए, वो डाले थे उसमें, तब ये वार्ड इस टेबल में इंसर्ट हुआ है। तो आपको कुछ टर्म है वो याद रखनी है, जैसे कॉलम को यहाँ फील्ड कहते हैं, फील्ड ज्यादा यूज होता है आपके डिजिटल वर्ड में, और आपकी जो टेबल है टेबल वर्ड भी यहाँ पर यूज नहीं होता, टेबल वर्ड की जगह यहाँ पर आपकी एट्रीब्यूट्स वर्ड ज्यादा यूज होता है। और इसमें यहाँ फील्ड की ओब्लिक एट्रीब्यूट भी लिखा है आपका। इसमें आपकी क्या है कि ये जैसे सेक्शन आईडी इस कॉलम का, स्ट्रीट नेम है, ये एट्रीब्यूट है हर कॉलम की। छोड़ के मैं आ जाऊंगी तो ट्रेडिशन में हम इस तरह से कॉलम और रो जो अपने हाथ से हम बनाते हैं डेटा उसमें जो डालते हैं उसको आप टेबल बोला है, लेकिन आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम को यहाँ पर फील्ड बोलते हैं। और इसी तरह से आपकी रो है, ट्रेडिशन में हम रो का ज्यादा यूज किया है, तो इस रो की जगह रिकॉर्ड बोलते हैं। ये जो आपका सेक्शन आईडी का जो वन है, ये वन सेक्शन है, ये एक रिकॉर्ड है आपका, ये स्ट्रीट नेम का ठीक रिकॉर्ड है, तो इसको रिकॉर्ड बोलते मैं तो मेरा हैं। कमरा हूँ ये और कभी उसके ये लड़ा मैं जा बाद रही एक हूँ वर्ड यूज आ रहा है आपका टपल्स, मम्मी देखता टपल्स इसमें क्या है कि ये जितने भी जो आपने डाले हैं हूँ रो वाइज, फर्स्ट रो का हो गया आपका, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, इस तरह से चलती रहेगी आपकी, या इसको 1 2 6 3 4 5 ये रिकॉर्ड बोलेंगे, इसमें 6 रिकॉर्ड है। अगर हम एक रिकॉर्ड की हम बात करें तो उस रिकॉर्ड को एक टपल भी बोल दिया जाता है। और ये जो सारा जो आपका डाटा इसमें चाहे फील्ड में या रिकॉर्ड में जो आप डाल रहे हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कॉलम और रो में जो आपका है, ये सारी की सारी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ट्रेडिशनल में हमारा कॉन्सेप्चुअली तो रिलेशन है उसमें, लेकिन फिजिकली उसमें कोई रिलेशन नहीं होता एक दूसरे के साथ। लेकिन इस कंप्यूटर वर्ल्ड में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है उसमें आपके कॉलम और रो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ऑटोमेटिकली। वो रिलेशन किस चीज के ऊपर है, वो रिलेशन उनका डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसकी लैंग्वेज के ऊपर है। जैसे आपकी C++ लैंग्वेज है, आपका आजकल पाइथन लैंग्वेज ज्यादा चल रही है, तो ये सारी चीजें लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल है। एक बार अगर इसमें हम डाटा ये डाल दिया, ये var22 डाल दिया इसमें, जब तक आप उसको एडिट नहीं करोगे, एडिट करने के लिए आपको स्पेशल एक चीजें करनी पड़ती हैं, तो ये डाटा आपका अपने आप एडिट नहीं होगा। तो इसमें आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे आपको कि कॉलम का पता लगे, फील्ड का लगे, और एट्रीब्यूट का, रो, रिकॉर्ड और टबल। तो इसमें जब टेबल की बात आती है तो टेबल क्या है कि सेट ऑफ डेटा एलिमेंट है,
सेट ऑफ डेटा एलिमेंट वैल्यूज, ठीक है, आपके पास जो डेटा कलेक्ट करके लेके आए हो, उस डेटा कलेक्शन के बाद में आप उस डेटा को एक अलग अलग थीम में आप देखे, जैसे थीम आपकी स्ट्रीट नेम हो गई, उसकी विड्थ हो गई, उसका टाइप हो गया स्ट्रीट का, ठीक है, उसके साथ और भी जो आपकी एट्रीब्यूट मैनेजमेंट है, जितनी भी आपने सोचना है कलेक्ट करी है, आप उसको एक ऑर्गेनाइज करते हो उस डाटा को, ये इंफॉर्मेशन है मैं इस कॉलम में ये डालूंगा, इस रो में ये चीज आएगी, वो हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स का जो मॉडल है आपका, और जीआईएस का मॉडल को हम लास्ट में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें यहीं से निकल के आएगी कि जीआईएस का मॉडल क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको जीआईएस का मॉडल टेबल के थ्रू आपको दिखा दिया है कि सेम ऐसा ही दिखता है टेबल के फॉर्म में। तो इसलिए टेबल क्या है, टेबल आपका एक हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में आपकी वैल्यू इंसर्ट की गई है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ये वैल्यूज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज नहीं है कि आपने ये स्टोन सेट, ये है बिटुमिनस है, ये टेक्स्ट में आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आप बिटुमिनस आपने यहाँ डाल दी, ये यहाँ डाल दी, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी डली है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज्ड है, और हर कॉलम का एक नेम है, अपना एक नेम है, एक उसकी एक एट्रीब्यूट है, जैसे ये सेक्शन का है, स्ट्रीट नेम का है, विड्थ का है, रोड टाइप है, पार्किंग है, वार्ड है, इसी तरह से जितनी जो रोज हैं आपकी, रोज उसकी वैल्यू से आइडेंटिफाई हो रही है, और हर कॉलम का जो सबसेट है, जो छोटा पार्ट है, उसमें एक अपनी वैल्यू रखी गई है, तो वो आपकी रो होती है। तो ये एक सिंपल डिस्कशन थी हमारी टेबल के ऊपर, और इस तरह से टेबल में अगर हम कोई ये कॉलम के थ्रू, रो के थ्रू एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी वैल्यूज डाल दें, और ये सारी की सारी वैल्यूज क्या लॉजिकली रिलेटेड हैं, तो इस वैल्यू से अगर हमें कोई पूछना चाहे कि आपका जो क्रॉस रोड है, वे क्रॉस रोड की कितनी चौड़ाई है, तो आपको पता लग जाए कि 14.2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हुए हैं, मीटर है आपका, क्योंकि तो इसमें तो हमें चार वैल्यू भी दिख रही है, अगर इसमें हजारों ये सेक्शन आईडी होते, स्ट्रेट नेम होते, तो एकदम देखने से वन बाई वन करेंगे तो हमें कितना टाइम लगता उसको सर्च करने में, हमने सिर्फ क्वेश्चन में डाला कि क्रॉस रोड की विड्थ चाहिए हमें, तो क्रॉस रोड हमने सिलेक्ट किया, जैसे फील्ड कैलकुलेटर में आपको आगे जाके बताएंगे कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमें उसकी विड्थ बता देगा, तो इस तरह से हम उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए, तो इस तरह का अगर कोई डेटाबेस तैयार हो रहा है तो वो आपका डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। तो डेटाबेस किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पर क्लियर हो रही है, आज डिस्कशन हम यहीं तक इसकी रखेंगे, कल इसको आगे फॉलो करेंगे, यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो आप अपना डिस्कस कर सकते हैं।